नमस्कार दोस्तों, हम इंटीग्रेशन का रिवीजन कर रहे थे। रिवीजन की क्लासेज अपनी चल रही हैं और पिछले लेक्चर के अंदर हमने इंटीग्रेशन, जो आपका डिफाइनाइट इंटीग्रेशन है, निश्चित समाकलन है, उसके बारे में हम पढ़ रहे थे, लिमिट्स वाला। तो उसके अंदर एक क्लास आप क्यों चुके। सेकेंड क्लास के अंदर देखिए, हम लास्ट में हम पढ़ रहे थे कि उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे थे, लिमिट्स के गुणधर्म हम पढ़ रहे थे। चार गुणधर्म हम पढ़ चुके हैं। चौथा गुणधर्म आपको पता होगा किस प्रकार आपने यूज किया था, कि एफ एक्स अगर इस प्रकार हो ए से बी, तो आप इस प्रकार इसे यूज कर सकते हैं, ए से बी एफ एक्स ए प्लस का बी माइनस एक्स। ठीक है, ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। लास्ट में भी मैं बता के गया था, बहुत बार ये काम आएगी, जहां भी आपको दिखते आए एक बार ये प्रॉपर्टी यूज कर लेना, क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। जहां भी किसी भी क्वेश्चन में दिक्कतें आए तो एक बार ये प्रॉपर्टी आपको यूज करके देखनी है, उससे आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक है, देखिए इस प्रकार नंबर पांच नंबर प्रॉपर्टी है, और जल्दी जल्दी इन चीजों को हम कंप्लीट करते हैं। नंबर पांच, कि अगर जीरो से ए एफ एक्स आपका दिया हो, जीरो से ए एफ एक्स आपका दिया हो और इसका इंटीग्रेशन करना है, तो वो बराबर होगा किसके, देखो, जीरो से ए एफ ए माइनस का एक्स। वैसे प्रॉपर्टी एक जैसी है, यानी ऊपर वाले को या जीरो ए प्लस जीरो जुड़ के घटा दो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये प्रॉपर्टीज देखिए लागू किन किन के लिए काम में आएगी, यानी ये सभी के रिजल्ट इस प्रकार सेम देने वाली हैं। जैसे जीरो से पाई बटा दो हम बात करें साइन एक्स की, साइन एक्स डी, तो ये बराबर आपका हो जाएगा किसके, कोस एक्स के। जीरो से पाई बटा दो, एक मिनट, जीरो से पाई बटा दो किसके बराबर हो जाएगा, कोस एक्स के, नंबर एक। दूसरा, ऐसे ही आप बात कर सकते हैं साइन टेन एक्स के लिए, बात कर लो जीरो से पाई बटा दो टेन एक्स, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, देखो आप जोड़ेंगे है ना, ये देखो पाई बटा दो माइनस करेंगे तो क्या आता है, साइन बराबर कोस एक्स, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, टेन नब्बे माइनस थीटा कोट एक्स, तो जीरो पाई बटा दो कोट एक्स डी एक्स। ऐसे ही आप नंबर तीन पर बात करें, साइन टू एक्स ले लो, इस प्रकार जीरो से पाई बटा दो साइन टू एक्स, एक ये हो गया, और साथ में अगर हम एफ फंक्शन के रूप में ले रहे हैं इसको, और एक हमने ले लिया साइन एक्स, तो ये देखिए किसके बराबर हो जाएगा आपका। यहाँ से देखिए, अगर आप इसमें लगाते हैं पाई बटा दो माइनस का एक्स, यानी इसके अंदर आप लगाएंगे, तो ये चीज़ तो आपकी सेम रहेगी, यहाँ पर क्या आ जाएगा कोस एक्स, तो यानी साइन टू एक्स तो आपका ऐसा कैसा रहेगा, लेकिन ये कोस एक्स हो जाएगा, तो जीरो से पाई बटा दो साइन टू एक्स तो ऐसा कैसा रहेगा, फंक्शन है जो, और ये कोस एक्स हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ से साइन यहाँ से करेंगे तो साइन एक्स अस्सी माइनस थीटा क्या रहता है, वही रहेगा साइन एक्स अस्सी माइनस थीटा, वापिस साइन तो आता है, तो ये साइन तो ऐसा कैसा रहा, लेकिन साइन यहाँ पर पाई बटा दो माइनस एक्स, ये क्या है नब्बे माइनस थीटा, ये किस में हो जाएगा, कोस एक्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सी बातें हैं भाई। जैसे हम आप बात कर सकते हैं नंबर चार पर, यहाँ मैं बात करता हूँ लॉग एक्स वाली, नंबर चार है जीरो से आपको दे दे वन एफ लॉग एक्स, तो इसका देखिए क्या रिजल्ट आ जाएगा, वही आपको तो जोड़कर घटाना है, तो देखिए इसके बराबर हो जाएगा एफ लॉग वन माइनस का एक्स। ठीक है, तो ऐसे आपके क्वेश्चन बनते हैं यहां से देखिए। ठीक है, एक और प्रॉपर्टी आप देख सकते हैं, कुछ और चीजें ये लिख लो एक बार इन चीजों को, फिर आगे बढ़ते हैं अपन, स्क्रीनशॉट ले लो इनका। ये प्रॉपर्टी हम बाद में भी करेंगे जो सम विषम फलन वाले हैं, तो इससे अच्छा देखिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आपको मैं बताता हूं, कुछ मान आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण कह सकते हैं आप। देखिए ये चीजें आपको याद रहनी चाहिए भाई, कुछ चीजें थोड़ा इनको याद करना आप, जैसे इंपॉर्टेंट चीज है एक, सबको याद रहना चाहिए ये जो चीजें बता रहा हूं याद करने वाली, ये आपके क्वेश्चन बड़े इजी तरीके से सोल्व करेगी। देखो आप यहां पर अगर लॉग टेन एक्स, इसका मान जीरो होगा, जीरो से पाई बटा दो लिमिट हो, लॉग टेन एक्स डी एक्स हो तो उसका मान जीरो, ऐसा ही कोट एक्स के लिए भी लागू होगा, जीरो से पाई बटा दो लॉग कोट एक्स डी एक्स, ये भी आप बात कर सकते हैं, यानी ऐसा कर सकते हैं आप, इसका मान भी कितना जीरो होगा। कैसे होता है प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम प्रूफ देख लेते हैं, चलो तो कोई बात नहीं, जरूरत नहीं है, वही सेम टू सेम समीकरण में रख दे दो इसे, ये आई बराबर हो गया,
अब देखो वही चौथा गुणधर्म लगाओ, सबसे इंपॉर्टेंट है फोर्थ गुणधर्म से, फोर्थ लगा दो या फिफ्थ लगा दो एक ही बात है दोनों, क्योंकि यहाँ पर फिफ्थ लगेगा वैसे, ठीक है। तो जीरो से पाई बटा दो लोग, देखो टेन नब्बे माइनस थीटा करेंगे तो कोट हो गया, कोट एक्स, ये आ गया आपका आई, ठीक है, ये भी आई है क्योंकि आई की बराबरी तो चल रहा है, फोर्थ गुणधर्म में लगाया। अब आई और आई को हम जोड़ देंगे तो टू आई हो गया। अब जोड़ेंगे तो देखो जीरो से पाई बटा दो लॉग वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, लॉग एम प्लस एन वाली, देखो लॉग टेन एक्स प्लस लॉग कोट एक्स, लॉग एम प्लस एन यानी लॉग एम एन, तो यानी यहाँ पर आ गया टेन एक्स कोट एक्स डी एक्स, इसका मान कितना हो गया वन हो गया। देखो एक दूसरे को उल्टा होता है, टेन एक्स से कोट एक्स कैंसिल, तो यहाँ बच गया आपके पास टू आई बराबर जीरो से पाई बटा दो लॉग वन, और लॉग वन का मान आपको पता है कितना होता है जीरो, तो सारा जीरो ही हो गया आई बराबर, और यही तो हमने बात की थी कि इसके बराबर जीरो होगा, समझ रहे हो ना चीज़ें, तो बिल्कुल सिंपल सी बातें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो कुछ प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है, जैसे ये तो आपने याद कर ली जीरो से पाई बटा दो लॉग टेन एक्स के लिए, अब लॉग साइन एक्स के लिए ये भी आप प्रूफ कर सकते हैं, ऐसे जिस तरह ये प्रूफ किया ऐसे ही आप ये प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन हम आगे बढ़ी सीधे याद रखेंगे। आगे वाली प्रॉपर्टीज हम सीधी याद रखते हैं इन चीज़ों को, देखिए क्या है आगे, कुछ नहीं है सीधी सी प्रॉपर्टीज हैं ये, या आप याद रखिएगा, इस प्रकार मैं स्टार लगा कर सारी चीज़ें याद रखता हूँ। जैसे हमने बात की जीरो से पाई बटा दो, हम एक एक करके बात करते हैं लॉग साइन एक्स, सबसे पहले मैं बात करूँगा लॉग साइन एक्स डी एक्स, ठीक है इसकी बात करेंगे। एक आप देखिए जीरो से पाई बटा दो लॉग कोस एक्स डी एक्स, इसकी हम बात करेंगे। जीरो से पाई बटा दो लॉग सेक एक्स डी एक्स, इसकी बात करेंगे। जीरो से पाई बटा दो लॉग कोसेक एक्स डी एक्स, इसकी हम बात करेंगे। अब हम सबकी बात करते हैं, देखिए सीधे फॉर्मूले हैं सभी के एक जैसे ही हैं, सबके जैसे हैं, साइन और कोस के तो माइनस लगेगा, माइनस का पाई बटा दो, माइनस का देखो एक एक याद करेंगे पाई बटा दो, लेकिन इनके लिए क्या लगेगा प्लस का लगेगा, यहाँ पर प्लस का पाई बटा दो, प्लस का पाई बटा दो, ठीक है। आगे सबके आगे सेम टू सेम लॉग है ना, तो लॉग लिमिट कितनी है पाई बटा दो, तो यानी लॉग दो, लॉग दो, लॉग दो, ये रिजल्ट याद रहने चाहिए आपको, ये रिजल्ट याद रहेंगे तो एग्जाम के अंदर देखते ही आप कर दोगे उत्तर, है ना, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये रिजल्ट आपको याद रहने चाहिए, और एक दो बार इसीलिए मैं आपको बार बार ये बता रहा हूँ किस प्रकार आप इन चीज़ों को याद भी रख सकते हैं। कैसे है, बिल्कुल सिंपल सी बात है, जीरो से पाई बटा दो लॉग साइन एक्स का मान क्या होगा, माइनस का पाई बटा दो लॉग दो, जीरो से पाई बटा दो लॉग कोस एक्स का, माइनस का पाई बटा दो लॉग दो, ऐसे ही लॉग सेक एक्स का पाई बटा दो लॉग दो, पाई बटा दो लॉग दो, दो में माइनस दो में प्लस, बाकी सारा सेम टू सेम। अब देखो इसके रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आता है, देखिएगा क्वेश्चन बनेगा ऐसा, क्वेश्चन है इस प्रकार, देखिए जीरो से वन लॉग साइन पाई बटा दो एक्स डी एक्स, ठीक चीज तो है वैसी, लेकिन हम इस चीज को कन्वर्ट कर सकते हैं उस चीज में, कैसे, सबसे पहला काम आप करें पाई बटा दो एक्स को टी मान लीजिए, क्योंकि एक फंक्शन था तो पाई बटा दो एक्स को मैं टी मान लेता हूं। अब देखो डी एक्स बराबर टू बटा पाई डी टी, ये कन्वर्ट हो गया, यहां से लिमिट भी देखिए, लिमिट कन्वर्ट करनी है आपको, तो देखिए एक्स बराबर आप जीरो रखते हैं तो टी का मान भी जीरो, एक्स का मान आप वन रखेंगे तो टी का मान कितना आ जाएगा, देखो वन रखते ही पाई बटा दो, तो ये लिमिट आपकी कन्वर्ट हो गई, लिमिट क्या होगी जीरो से पाई बटा दो लॉग साइन टी डी टी। अब देखो इसका मान आपको पता है, आगे बाहर टू पाई है ना, देखो डी टी की जगह टू बटा पाई, ये पहले से था बाहर, अब इसका मान आपको पता है, अभी मैंने प्रॉपर्टी बताई है, प्रॉपर्टी क्या बताई है कि इसका मान होगा माइनस का पाई बटा दो लॉग दो, इसका मान साथ में टू पाई और गुणा है तो टू अपॉन पाई, पाई से पाई रहना पाई, दो से दो ये कैंसिल, तो बराबर माइनस का लॉग दो, आंसर बोलो, कोई दिक्कत है क्या इस चीज के अंदर, कितने सिंपल क्वेश्चन है, इससे सिंपल कुछ हो नहीं सकता, अभी लिखेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस प्रकार, देखिए आपको दिया है 0 से पाई बटा दो साइन 2x लॉग टेन एक्स डीएक्स, ठीक है, ये है 0 से पाई बटा 2 साइन 2x लॉग टेन एक्स डीएक्स। क्या करेंगे सबसे पहले, सबसे पहला काम यही आपको करना है कि फोर्थ जो गुणधर्म है वो इसके अंदर अप्लाई कर दो, ठीक है, सबसे पहला काम यही करना है, जहां भी थोड़ा सा दिखते लगे तो फोर्थ गुणधर्म वो अप्लाई कर दिया करो। तो फोर्थ गुणधर्म अप्लाई करेंगे, देखो आई बराबर फोर्थ गुणधर्म से, सबसे इंपॉर्टेंट गुणधर्म है ये, तो देखिए क्या आएगा, वही सेम टू सेम 0 से पाई बटा 2। अब देखो यहां पर 2 है गुणा में, तो यहां पर मैं रखूंगा, देखो पाई बटा 2 माइनस एक्स, तो देखो 2 से 2 कैंसिल, पाई माइनस एक्स, तो वापस यही आ जाएगा ना साइन 2x, क्योंकि साइन 180 माइनस थीटा उसी का ग्रह है, माइनस नहीं आएगा और 180 में परिवर्तन नहीं होता है, तो साइन वापस साइन के अंदर ही रह जाएगा, तो साइन वापस ऐसा आ गया साइन 2x लॉग टेन 90 माइनस थीटा, ये चेंज हो जाएगा, देखो टेन 90 माइनस पाई बटा 2 माइनस थीटा रखते हैं, तो टेन 90 माइनस थीटा, ये आपका कोटेक्स हो गया। ये समीकरण नंबर एक दे दो, ये समीकरण नंबर आपकी आई है, ये भी, ये समीकरण नंबर दो हो जाएगा, ठीक है, वही समीकरण एक प्लस का समीकरण दो, ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे, देखो क्या आ गया 2i बराबर सेम टू सेम, देखिए 0 से पाई बटा 2 साइन 2x कॉमन आ गया, देखो दोनों के अंदर है, और यहां पर लॉग वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी, लॉग टेन एक्स और कोटेक्स वाले, लॉग टेन एक्स कोटेक्स, देखो सेम वही चीज, अब देखते ही पता चल जाना चाहिए, यहां से क्या हो गया, एक आ गया, लॉग वन का मान 0, तो ये पूरा ही पार्ट आपका 0 हो गया, बोलो कोई देखने की जरूरत नहीं, आगे थोड़ी ना करेंगे अब अपन, ये 0 हो गया देखते ही, ठीक है। अब देखिए आगे और क्वेश्चन करते हैं अपन, प्रैक्टिस अब खूब करने वाले हैं अपन, चिंता नहीं करें आप। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन है आगे इस प्रकार कि 0 से 1 आपको दिया है लॉग 1 अपॉन x माइनस का 1 dx, ठीक है। अब देखो सबसे पहला काम क्या करेंगे, वही आपको तो फोर्थ प्रॉपर्टी लगानी है, लेकिन उसके लिए सबसे पहले एक जस्ट इसने एलसीएम लेकर सही कीजिए इसको, तो 0 से 1 लॉग, देखो कितने जल्दी क्वेश्चन हो रहे हैं भाई, पहले हमें इसमें मैं करवा रहा था तब भी टाइम लग रहा था, लेकिन अब तो रिवीजन कर रहे हैं तो रिवीजन के अंदर कोई टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। अब वही फोर्थ प्रॉपर्टी जोड़ेंगे हम, फोर्थ प्रॉपर्टी 1 माइनस x इस प्रकार करेंगे, देखो दोनों को करेंगे, तो फोर्थ गुणधर्म से याद रहना चाहिए चीज़ें, ये फोर्थ गुणधर्म तो ऐसे क्वेश्चनों में लगे ही लगेगा, तो 0 से 1 लॉग 1, यहाँ क्या करेंगे, देखो 1 माइनस का x करना है ना, 1 माइनस का x, तो 1 माइनस का x नीचे देखिए 1 माइनस का x dx। अब देखिएगा थोड़ा सा इसको सोल्व करते हैं अपन, 0 से 1 लॉग 1 से 1 क्या कैंसिल हो गया, और ये x आपका बच गया नीचे 1 माइनस x का dx, ये समीकरण नंबर 2 दे दो, ये समीकरण नंबर आपके पास हो गई 1, दोनों को जोड़ेंगे वही सेम टू सेम समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, लॉग वाला जहां दिखे वहां तो ये लगाना ही लगाना है आपको, जहां लॉग दिखा साइन एक्स फंक्शन दिखे वहां तो ये फोर्थ गुणधर्म तो यूज करना ही करना है, समझे बात को, वहां तो हम ये यूज करें ही करेंगे, ठीक है। तो देखिए समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 प्लस 2 हम करेंगे, तो दोनों को जोड़ेंगे तो वही 2i बराबर 0 से 1 लॉग, देखो वही लॉग m प्लस n, वही लॉग m n आ जाएगा, तो लॉग 1 माइनस x अपॉन x इंटू में x अपॉन 1 माइनस x, देखिए सारा चीजें कैंसिल हो गई, लॉग 1 वापस वही 0, लॉग 1 का मान सब जानते हैं कितना होता है, 0 होता है, तो यही 0 आ गया। अब देखो अगर समाकलन कर रहे हैं और उसके हर के अंदर एक चीज याद रखना, नोट लगा के लिखवाने वाला हूं मैं, हर के अंदर a की पावर x, e की पावर x ऐसी कुछ चीजें मिले तो उसके अंदर तो देखना ही नहीं है, फोर्थ प्रॉपर्टी उसके अंदर यूज करनी ही करनी है,
ठीक है, ये चीज़ें याद रखेंगे। क्वेश्चन बहुत सारे आपको प्रैक्टिस करने हैं इसके लिए, दो तीन तो मैं ही करवाने वाला हूँ, और भी आपको करने हैं। तो देखिए जहाँ भी आपको नीचे हर के अंदर ए की पावर एक्स दिख जाए, ई की पावर एक्स दिख जाए, तो वहाँ तो आपको फोर्थ प्रॉपर्टी का यूज करना ही करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, लिखेंगे। नोट लगा कर लिखेंगे क्या, देखिए नोट लगाएंगे। यदि समाकल्य के हर में a की पावर x, e की पावर x है, तब फोर्थ गुणधर्म काम में लेना चाहिए, है तब फोर्थ गुणधर्म काम में लेना चाहिए। अगर ये दिखते हैं तो वहां पर तो फोर्थ गुणधर्म यूज करना ही करना है उसका। तो देखिए फोर्थ गुणधर्म हम यूज करेंगे। अगर इस प्रकार क्वेश्चन देखिए, आपको दे दिया मैंने माइनस पाई से पाई, ठीक है, कोस स्क्वेयर एक्स अपॉन में, देखिए दिया है आपको 1 प्लस ए की पावर एक्स, ठीक है, वही सेम टू सेम, देखिए ए की पावर एक्स दिख गया, तो यानी फोर्थ गुणधर्म यूज करेंगे। तो सबसे पहला आई बराबर मान लीजिए इसको माइनस पाई से पाई कोस स्क्वेयर एक्स अपॉन में 1 प्लस कोस एक्स, सॉरी ए की पावर एक्स डीएक्स, समीकरण नंबर एक। अब देखिए फोर्थ गुणधर्म से, देखो एग्जाम के अंदर आप करें तो ऐसा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, फोर्थ गुणधर्म लगा रहे हैं सीधा डायरेक्ट आप करेंगे, ऐसा आई वगैरह नहीं है, तो थोड़ा सा समझाने के लिए ताकि आपको चीजें बोर्ड पर लिखी हुई अच्छे से समझ में आ जाए, इसलिए हम कर रहे हैं ये, बाकी कोई जरूरत नहीं इनकी। तो देखिए हम फोर्थ गुणधर्म लगाएंगे, फोर्थ गुणधर्म से एग्जाम के अंदर देखिए बहुत कम टाइम लगेगा इस क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि यहाँ तो मैं समझा रहा हूँ, भी समझाने में तो एक दो मिनट का समय लगता है, समझाने में भी एक दो मिनट का समय लग रहा है, तो करने में थोड़ी ना लगेगा, 30-40 सेकंड के अंदर कर दोगे आप। देखो वही सेम टू सेम माइनस पाई फोर्थ प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो देखिए कोस स्क्वेयर एक्स की जगह देखो पाई माइनस का एक्स, नीचे देखिए 1 प्लस ए की पावर एक्स की जगह पाई माइनस का एक्स, ठीक है डी एक्स, पाई से पाई यहाँ भी नहीं रह पाई, पाई से पाई यहाँ भी नहीं रह पाई, अब देखो यहाँ बचेगा कोस स्क्वेयर माइनस एक्स, और आप सब जानते हैं चूंकि कोस माइनस एक्स बराबर क्या होता है प्लस का कोस एक्स, तो यहाँ तो कोई चक्कर ही नहीं है, ऊपर कोस एक्स प्लस का आ जाएगा। अब देखिए यहाँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो देखिए ऊपर आ जाएगा माइनस का पाई से पाई, ठीक है कोस स्क्वेयर एक्स, नीचे देखिए 1 प्लस का ए माइनस एक्स, ये बच गया। अब देखो इसको 1 अपॉन ए कर सकता हूं मैं, 1 अपॉन ए की पावर एक्स, तो ये लघुत्तम लेंगे तो ए की पावर एक्स यहाँ गया, और जो एलसीएम बचा वो ऊपर चला जाएगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ऐसा रूप लिख सकता हूँ क्या, सोच कर देखना, ए की पावर एक्स प्लस का 1, क्या ऐसा रूप मैं लिख सकता हूँ, कैसे बताओ शाबाश, लिख सकता हूँ ना, तो ये समीकरण नंबर 2 होगी, ये किसके बराबर है, आई के तो बराबर है, ठीक है समीकरण 1 में 2 को जोड़ दो, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो देखिए 2i बराबर माइनस पाई से पाई, देखो एलसीएम वही लेंगे, सेम टू सेम वही चीजें आ रही हैं, एलसीएम भी वही आएगा, तो एक ही पावर एक्स कोस एक्स प्लस का कोस एक्स या कोस स्क्वेयर एक्स, सॉरी कोस स्क्वेयर एक्स था, कोस स्क्वेयर एक्स, यहां भी कोस स्क्वेयर एक्स, नीचे वही एलसीएम एक ही पावर एक्स, ठीक है डी एक्स। अब देखो कोस स्क्वेयर एक्स यहां से कॉमन आ गया, कोस स्क्वेयर एक्स कॉमन आ गया, और इससे जो बचा है अंदर पार्ट 1 प्लस ए की पावर एक्स, नीचे भी 1 प्लस ए की पावर एक्स, इससे ये कैंसिल हो गया, लघुत्तम देखिए आपके पास माइनस पाई से पाई, कोस स्क्वेयर एक्स को क्या लिख सकते हैं, यही बचा है इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कोस 2x अपॉन 2 dx, ठीक है। अब तो आगे समाकलन कर दोगे कोई दिक्कत ही नहीं, एक्स बटा 2 हो जाएगा कोस 2x का, साइन 2x बटा 2 हो जाएगा, सेम वही चीज़ें आगे तो कर देंगे सेम टू सेम, हम जो जितना काम था आपको सिखाने का, और इसका उत्तर मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट, क्या आएगा आई का मान पाई बटा 2 आएगा, ठीक है यहाँ लिख देता हूँ,
सोल्व करना है आपको, फिर लिमिट रखनी है, तो ये आपके पास हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, देखिए ऐसा ही e की पावर x आ जाए तो भी आप ऐसा ही कर सकते हैं। तो दादा इसमें हम टाइम नहीं कराएंगे। आगे देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, अब महत्तम जो पूर्णांक फंक्शन है उसके अंदर कैसे करेंगे आप, जो महत्तम पूर्णांक फंक्शन है तो वो आप सबसे पहले तो महत्तम पूर्णांक x से अथवा कम के बराबर आप उसी चीज को रखेंगे। ठीक है, लिख लिया क्या इसको, बोलो लिख लो इसको। लिख लिया तो आगे बढ़ते हैं। आगे आता है आपका महत्तम पूर्णांक फलन, देखिए इसका कैसे करेंगे। देखिए आपको पता है महत्तम पूर्णांक फलन ये होता है और इसको आप डिफाइन भी कर सकते हैं कैसे, इसका मान देखिए जीरो आएगा, जीरो मान कब रहेगा तो देखिए कि एक्स का मान जीरो और यहां तक है एक तक, ठीक है, यानी जीरो से बड़ा और एक तक है और इसका मान एक कब आएगा, देखिए पूर्णांक में समझा रहा हूँ कि पूर्णांक के बराबर कब आएगा। अब देखो इसका मान एक कब रहेगा, एक और दो के बीच में, देखिए आप जानते हैं महत्तम पूर्णांक फलन क्या करता है, पॉइंटों वाली संख्या है उसमें मान लीजिए 1.5 है तो उसको उसके यानी 1.5 है उससे पहले वाला जो न्यूनतम पूर्णांक है उसमें कन्वर्ट करेगा। तो 1.5 से न्यूनतम पूर्णांक कौन सा है, पूर्णांक संख्या 1, तो यानी एक से लेकर और जब तक दो नहीं आता, दो होने पर तो वापस दो ही देगा, पूर्णांक देगा, लेकिन दो से कम 1.9999 वहां तक आपको एक ही मान देगा। तो यानी आप कह सकते हैं कि 1, ये देखिए 1 से या 1 से बड़ा और 2 से छोटा, ये दो मान कब देगा जब 2 या 2 से बड़ा और 3 से छोटा, यानी इस प्रकार आप कह सकते हैं कि यहां पर ऐसे मान देगा। तो देखिए अब ये सतत तो नहीं रहेगा फंक्शन के अंदर, क्योंकि मान अलग अलग इसके अंदर भी चेंज हो रहे हैं तो ये सतत फंक्शन तो नहीं रहने वाला। तो इसके लिए देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन देखिए सीधा हम बात करते हैं क्वेश्चन से, 0 से 3, और फिर एक ट्रिक बताऊंगा सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक है, देखिए कितना जल्दी आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अब देखो अब जानते हैं 0 से 1 के बीच में, ध्यान से सुनिएगा, 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में क्या मान देगा ये, 0 यानी पूर्णांक हम पहली बार निकाल लेते हैं जो पूर्णांक देगा, और फिर सीधा x लिख देंगे तो x dx, ठीक है, 0 या सीधा ही dx क्योंकि मान तो देख लिया है, यानी ये मान 0 देगा तो सीधा dx ही आएगा। दूसरा देखिए प्लस का 1 से 2 के बीच में, जहां तक लास्ट लिमिट नहीं आती, 1 से 2 के बीच में क्या मान देगा, 1, तो 1 dx। उसके बाद 2 से 3 के बीच में क्या देगा, 2 dx। उसके बाद तो आगे कुछ देगा नहीं। अब देखो इसका मान 0, इसका मान देखिए x हो गया लिमिट ऊपर है ही 1 से 2, प्लस यहाँ हो गया 2x 2 से 3, ये लिमिट रखेंगे तो आपके पास मान आ गया 2 माइनस का 1 प्लस का 3 रखेंगे, 3 2 6 माइनस का 4, यानी यहाँ बच गया 2 और यहाँ बच गया 1, यानी ये टोटल मान आपके पास आ गया 3, ये आंसर आया है। अब इसकी एक ट्रिक देखना आप, ट्रिक बताऊंगा मैं, शॉर्ट मेथड देखना इसका, ये तो आपने कर दिया, ठीक है, ये थोड़ा बड़ा है क्योंकि बड़ी चीज़ें आएगी। अब देखो इसका शॉर्ट मेथड, यानी घाते अधिक हों तो कैसे करेंगे आप, शॉर्ट मेथड है बिल्कुल, दो शॉर्ट मेथड बिल्कुल अच्छे से हम बताएं बात करेंगे कि शॉर्ट मेथड आप सबके लिए देखिए कितना महत्वपूर्ण होगा ये, कि अगर कितना जल्दी क्वेश्चन निकाल देंगे, 0 की पावर n, 0 से n की ओर, यानी कोई भी वैल्यू हो सकती है, 5 तक हो सकता है, 6 तक हो सकता है, और ये इस प्रकार का फंक्शन आपको देर का है, ठीक है, तो सीधा कुछ नहीं करना, सीधा सीधा 1/2 n × n-1, ये इसका रिजल्ट हो जाएगा। जैसे अभी हमने क्वेश्चन किया, ये देखो 0 से 3, इस फॉर्मूले से ट्रिक से करते हैं अपन, तो ट्रिक से करेंगे तो 1/2 n का मान कितना है, 3, और 3 - 1 = 2, तो देखिए 2 से 2 कैंसिल, वापस 3 आ गया, बोलो कहाँ दिक्कत है, इतना लफड़ा करना ही नहीं पड़ा हमें, बोलो ये बेवजह का जो लफड़ा किया है हमने यहाँ पर वो करना ही नहीं पड़ा, सीधा आंसर आया। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। दूसरी ट्रिक एक और शॉर्ट मेथड देखिए, दूसरा एक और शॉर्ट मेथड, एक चीज और, यानी इस प्रकार अगर आपको दे
यानी इस प्रकार कि एक बटा एन से लेकर एक तक आपको इस प्रकार फंक्शन दे और यहां पर दे दे वन अपॉन एक्स इस प्रकार, तो आप कैसे करेंगे भी? देखिए सीधा सीधा इसका मान होता है, सीधा याद रखना है कहां से, एक बटा दो से शुरू करेंगे, एक बटा दो, एक बटा तीन प्लस का एक बटा चार और कहां तक, एक बटा एन तक, ठीक कुछ नहीं है, एक बटा एन से शुरू हो रहा है और वन तक ये अगर जा रहा है तो यानी ये आप सीधा जहां पर आपको रिजल्ट नहीं मिल जाता एक बटा एन तक तो आप सीधे एक बटा दो, एक बटा तीन, एक बटा चार इस प्रकार आप एक बटा एन तक बढ़ेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन हो जाते हैं अभी, देखो इस प्रकार कैसा क्वेश्चन देगा आपको, यहां पर ऐसा क्वेश्चन मिल सकता है, तो दोनों फॉर्मूले आपको याद रहने चाहिए। तो देखो जीरो से एन महत्वपूर्ण पूर्णांक एक्स, उसका क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, बताओ शहबाज बताओ, जीरो से एन और महत्वपूर्ण पूर्णांक एक्स उसका क्या फॉर्मूला था, एक बटा दो एन इंटू एन माइनस वन, ठीक है, और इसका फॉर्मूला भी अभी याद करा दूंगा। देखो क्वेश्चन देखिए, एक बटा छह से एक और यहां पर है वन अपॉन एक्स डीएक्स, ठीक है, एक बटा छह यानी एन का मान एक बटा छह, तो एक बटा छह तक चलेंगे तो एक बटा दो प्लस का एक बटा तीन प्लस का एक बटा चार प्लस का एक बटा पांच प्लस का एक बटा छह, बस छह तक जाना है। अब सभी का एलसीएम ले लो, सभी का एलसीएम ले लो, देखिए साठ आ जाएगा सबका एलसीएम, साठ तो दो तीय साठ यानी तीस, बीस यहाँ आ गया, पंद्रह यहाँ आ गया, बारह यहाँ आ गया, दस, तो देखिए कितना हो जाएगा, पंद्रह और दो सत्रह, दस सत्ताईस, सैंतीस और यहाँ सत्तावन और तीन सतासी, सतासी बटे साठ, कितना जल्दी हुआ है बोलो, हुआ ना, सतासी बटे साठ आपका आंसर आ जाएगा, लिख लो इसको। इसका दूसरा तरीका है वो थोड़ा हार्ड है, वो नहीं करते अपन, अब देखिए आगे हम बात करते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन आपको दे सकता है। देखो एक क्वेश्चन ऐसा और करते हैं अपन, क्वेश्चन देखिएगा, जीरो से वन चार एक्स डी एक्स, ठीक है, अब देखो ये महत्वपूर्ण पूर्णांक, अब सबसे पहले इसे बराबर रख लो आप, यानी कौन सी महत्वपूर्ण पूर्णांक वैल्यू आपको देगा, अब चार एक्स को मैं देखिए बराबर रख रहा हूँ, तो देखिए हम सभी संख्याओं के साथ जीरो एक दो तीन चार, जहाँ जहाँ आपको ये वैल्यूज दे एक तक, जहाँ तक एक का मान आए उन उनके बीच में अंतराल लेना है, तो देखिए एक्स का मान यहाँ पर देखिए जीरो आ जाएगा, यहाँ एक बटा चार आ गया, यहाँ कितना आ जाएगा दो बटा अपॉन, तो यानी एक बटा दो आ गया, तीन बटा चार आ गया और यहाँ एक आ जाएगा, ठीक है, अब अंतराल देख लो कितने बन गए, ये सारे अंतराल बन गए जिनके अंदर आपका ये पूर्णांक वैल्यू देगा, देखो यहाँ एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, ये इतने अंतराल बन गए जहां पर ये वैल्यू पूर्णांक वैल्यू बाहर निकाल कर देगा आपको, पूर्णांक वैल्यू बाहर निकाल कर देगा। तो जैसे देखिए लिमिट टूट रही है अभी, यानी जीरो से आपका एक था ये चार एक्स, तो इसकी लिमिट टूटेगी, अब देखिए सबसे पहले जीरो से एक बटा चार तक हम जाएंगे, एक बटा चार, जीरो से एक बटा चार, तो देखिए इसके बीच में जीरो और एक बटा चार के बीच में वैल्यू क्या आएगी, जीरो ही आएगी, सीधी सी बात है, प्लस का एक बटा चार से एक बटा दो, एक बटा चार से एक बटा दो, अब देखो मान रखते हैं अपन एक बटा चार से एक बटा दो, इसके अंदर हम वैल्यू रखकर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा मान यहाँ से आ रहा है, एक बटा चार अगर आप इसके अंदर रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि देखिए ये जो एक बटा चार है किसके बराबर, यहाँ पर देखिए यहाँ रखेंगे तो यानी एक आएगा, तो एक आपका पूर्णांक बाहर आएगा एक डी एक्स, ऐसे ही एक बटा दो से तीन बटा चार, अब देखो एक बटा दो यहाँ पर हम रखेंगे तो दो यानी दो बाहर आएगा पूर्णांक के रूप में, ऐसे ही तीन बटा चार से एक की ओर बढ़ेंगे तो आपके पास कितना आएगा, देखो तीन बटा चार से एक की ओर हम रखने वाले हैं, यहाँ से पूरा एक मान यहाँ पर रखेंगे तीन बटा चार से एक की ओर, तो आपके पास देख सकते हैं कितना तीन मान आएगा थ्री डी एक्स, तो देखो इसका आगे समाकलन कर सकते हैं अपन, वही सेम टू सेम चीज़ें उसके अंदर कन्वर्ट कर दिया, समाकलन में तो कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए आपको, सीधे इसके आंसर आ जाएंगे, ठीक है, तो ये हो गया। ऐसा ही सेकेंड ग्रेड के अंदर भी क्वेश्चन आया है, देखिए सेकेंड ग्रेड 2013 के अंदर ऐसे क्वेश्चन आते हैं भाई यहाँ से, तो थोड़ा सा इसको ध्यान से पढ़ेंगे, सेकेंड ग्रेड 2013, क्वेश्चन देखिएगा इस प्रकार आया था कि जीरो से रूट दो एक्स स्क्वेयर डी एक्स,
अब देखो यहाँ से ये का कितने पर पूर्णांक देगा वो चीज़ देखनी है। तो एक्स स्क्वेयर 0, 1, 2, 3, 4 कहाँ तक, मैक्सिमम रूट दो तक जाना है। देखिए एक्स का मान निकालेंगे तो यहाँ 0, यहाँ 1, रूट दो, बस इतने ही। एक अंतराल ये हो गया, एक अंतराल ये हो गया, क्योंकि यहीं तक ये पूर्णांक देगा तो लिमिट आपको पता चलेगी कि एक्स का मान क्या ले। तो एक तो आपकी लिमिट होगी 0 से 1, 0 से 1 आपकी लिमिट होगी। अब 0 से 1 के बीच में पता है क्या संख्या आएगी आपकी, 0 ही आएगी, 0.dx प्लस का 1 से √2, 1 से √2 और 1 से √2 के बीच में देखिए एक और, देखिए ये 1.41 इस प्रकार की वैल्यू होती है तो 1 ही आएगा, तो 1 dx, ठीक है। तो यही सेम टू सेम देखो 1 या x हो गया रूट 1 से √2, तो √2 माइनस का 1 आपके पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यही है भाई आपका ये पांचवा गुणधर्म हो गया। इसके बाद कुछ चीज़ें और बची हैं इसके अंदर, वो भी हम करेंगे, लेकिन वो हम करने वाले हैं अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो इसको शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।